अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप 3D स्टूडियो मैक्स उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में आपने देखा कि हमने शॉर्ट वॉल्स कैसे बनाई हैं विंडोज वगैरह के लिए। अब इस लेसन में हम देखेंगे इनके हेडर्स वगैरह कैसे डिजाइन किए जाते हैं, कैसे बनाए जाएंगे। तो आए बगैर कोई टाइम जाया किए हम स्टार्ट करते हैं लेसन। मैंने अपने पास मैक्स की फाइल ओपन की हुई है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, मैं क्या करूंगा, इनके हेडर बनाने जा रहा हूं। अब इनके हेडर आप कैसे बनाएंगे, अब याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 3D स्टूडियो मैक्स में मॉडिफाइडर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। मैंने मुख्तलिफ मॉडिफाइडर्स आपको बताए भी हैं और इनका एक स्पेशल चैप्टर भी मौजूद है इस DVD के अंदर। आपने उसके ऊपर मस्त प्रैक्टिस की होगी और आप बखूबी उन्हें समझ पाए होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसके ऊपर एक मॉडिफाइडर अप्लाई करूंगा स्लाइस का। अब स्लाइस मॉडिफाइडर क्या करेगा, मुझको ब्रिज बनाने की इजाजत देगा, कैसे देगा, देखते हैं ब्रिज क्या चीज़ है। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है मेरा, मैं मॉडिफाइडर के ऊपर गया और स्लाइस यूज करूंगा यहाँ पे। एस एंटर करते जाएं आपके पास स्लाइस आ जाएगा, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पहले ही बताया हुआ है। स्लाइस मॉडिफाइडर पर आप चले जाएंगे यहाँ पे, और स्लाइस मॉडिफाइडर पर जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने स्लाइस पर जाएं और यहाँ पर आप स्लाइस पिक कर लें। स्लाइस पिक करने के बाद आपको इसको हाइट देनी होगी, लेकिन इससे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं F3 प्रेस कर देता हूँ, F3 और साथ में F4, ठीक है, ये मेरे पास व्यू आना चाहिए। तो मैं इसको ये बता देता हूँ, आप देखें जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू देने गया तो मेरे पास ये एक लाइन एक्स्ट्रा ऊपर हो रही है यहाँ पे, ये नज़र आ रही है आपको लाइन। तो इसी लाइन की मदद से बेसिकली अब मैंने काम करना है इसको। मैंने ये बताना है कि आपने ज़मीन से ऊपर 7 फिट्स आ जाना है। अगर आपके पास सिंपली यूनिट्स आर्किटेक्चर हैं तो आप 7 फिट्स टाइप कर दें, लेकिन मैंने अभी अपने पास डेसिमल रखे हुए हैं तो मैं इसे 84 टाइप कर देता हूं, मींस 7 फिट्स तक इसकी हाइट लेकर आ जाएगा। तो ये मेरा एक काम हो गया, परफेक्ट, यहां तक तो मेरे पास सब कुछ ठीक है। अब मैंने इनको क्या करना है, आपस में ज्वाइन करना है। कैसे करूँगा ज्वाइन, मैं अगेन अपने स्लाइस के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पर ही, मैंने इसको राइट क्लिक किया और इसको मैं कन्वर्ट टू एडेबल पॉली कर देता हूँ, मैंने इसको पॉली कर देना है। अब स्टूडेंट्स, आपके पास जहां जहां आपके पास 7 फिट्स की हाइट्स बन रही है वहां वहां आपने इनको क्लोज कर देना है। अब मैं कैसे क्लोज करूंगा, या आप ये कंफर्म करना चाह रहे हैं कि यहां से ऊपर इसकी हाइट क्या है, तो वो भी आप कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जाना होगा आगे की तरफ। जैसा कि मैं आ जाता हूँ अपने इधर, टेप मुझे यूज करना होगा, मैं टेप को यूज करूंगा, ये मेरे पास मेरा टेप आ गया। ये बेसिकली आपके पास आपकी डायमेंशन को कंफर्म कर कर आपको देता है। आप इसे बताएंगे, आगे मैंने स्नैप्स यूज किया, आप इसे बताएंगे यहां से और इस पॉइंट तक की वैल्यू आपको बता दे, तो ये आपको ये बता देगा यहां पर कितनी वैल्यू बन रही है। तो जेड एक्सिस की वैल्यू आपके पास, तो तमाम वैल्यू आपको ये निकाल कर दे देता है, ठीक है। तो इस तरह से टेप्स के थ्रू आप वैल्यू वगैरह कन्फर्म कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हो यहां से यहां तक की वैल्यू आपको कंफर्म करनी है, तो आपके पास इधर टेप में एक्स एक्सिस के तमाम वैल्यू आपको ये देखिए बता देगा, ठीक है। तो यहां पर आप इनकी वैल्यू कंफर्म कर सकते हैं अगर आप इसकी कंफर्मेशन चाहते हैं तो। लेकिन अब हमारा काम क्या है, इनके हेडर्स को आपस में मिलाना। तो मैं कैसे मिलाऊंगा, मॉडिफाइड के अंदर में चला जाऊंगा, वॉल को मैंने सिलेक्ट किया और मेरे पास यहां पर है पॉलीगॉन, आप पॉलीगॉन को चूज करें, लेकिन उसके लिए आपने करना क्या है, पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक किया, मैं आ जाऊंगा यहाँ पर एक फेस को मैंने क्लिक किया और फौरन ऑल्ट और अपने कीबोर्ड अपने माउस के बटन से यानी कि अपने 3D बटन के थ्रू आप इसको आगे की तरफ आए और कंट्रोल के थ्रू आपसे सिलेक्शन दे दें। जब सिलेक्शन हो जाएगी आपके पास यहाँ पे ही नीचे की तरफ देखें ब्रिज की ऑप्शन है, जस्ट ब्रिज के ऊपर आप क्लिक करें तो ब्रिज क्या करेगा, इनके दरमियान वो फासला बना देगा। फिर देखिएगा एक क्लिक कर दें आप और यहाँ पे दूसरा क्लिक, किसकी मदद से, कंट्रोल की मदद से, और ब्रिज के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अगेन मैं यहां पर आ जाता हूं, मैंने एक क्लिक किया और इसके बाद मैंने अपने आप को ऑल्ट और 3 बटन के थ्रू रोटेट करके यहां पे कंट्रोल के थ्रू क्लिक कर देना है आपने और ब्रिज बना देना है। अगेन देखिए ये पॉइंट है और मेरा ये पॉइंट है ब्रिज के थ्रू, ठीक है जी। तो इस तरह से जितने भी आपके पास ये पॉइंट्स बन रहे हैं इन पॉइंट्स को आपने बनाना होगा। मैंने इस कंट्रोल के थ्रू क्लिक किया और ब्रिज आप लगा दें, अगेन एक क्लिक यहां करें आप और दूसरा क्लिक आपने इस तरफ किया और ब्रिज बना दें आप इसी तरह से, ठीक है। इस तरह से आप अपनी ड्राइंग्स के ऊपर चलते जाएं, जहां जहां आपको ब्रिज चाहिए एक क्लिक
और यहाँ पे दूसरा क्लिक, और फौरन आपने ब्रिज पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रोसेस को आपको अगेन एंड अगेन, जहां जहां आपको ये कट्स चाहिए होंगे, मींस कट्स को फिल कर देना है, तो वहां वहां आपको ये ब्रिज क्रिएट कर देना होगा। जैसे मेरे पास ये एरिया आ चुका है, अगर आपकी यहाँ पर भी रिक्वायर्ड है तो आप इसको भी ब्रिज बना देंगे। इसी तरह से मेरे पास एक क्लिक ये रहा और दूसरा क्लिक मेरा ये रहा, अगेन आप ब्रिज बना देंगे यहाँ पे। अगेन इधर आ जाएं, एक क्लिक कर दें, इसको भी दूसरी तरफ लेकर जाता हूँ, दूसरा क्लिक किया और ब्रिज बना दें। फिर मैं प्रोसेस रिपीट करता हूँ, आपने वन क्लिक करना है, ऑल्ट के थ्रू व्यू बनाना है और दूसरा क्लिक कर देना है, और इसको सिंपली आपने क्या कर देना है, ब्रिज बना देना है। ये ब्रिज भी आपने क्लिक किया इसको, ठीक है। फिर देखिएगा, एक क्लिक इधर और दूसरा क्लिक में कंट्रोल के थ्रू यहाँ पे और ब्रिज बना देता हूँ। एक क्लिक इधर और दूसरा क्लिक कंट्रोल के थ्रू और ब्रिज पे मैंने क्लिक कर दिया। इस प्रोसेस को आपने थोड़ा सा रिपीट करना है अगेन एंड अगेन क्विकली। ऐसा इसलिए किया जा रहा है, जब आप मटेरियल अप्लाई करेंगे उसमें आपको मटेरियल अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज तो मैं इसको बुलियन के अंदर जाकर मैं इसको आपस में मिला भी सकता था, लेकिन नहीं, वो आप किस आगे प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे जब आप मटेरियल अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास आपको ये जो इसके मैशेस होती हैं, लाइंस होती हैं, इनको आपको कंट्रोल करके निकलना होता है आगे। अगेन मैं ब्रिज के ऊपर चला गया और मैं ब्रिज बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब देख लें कोई मिस तो नहीं आपके पास। लास्ट वन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सबसे पहले यहाँ पर भी कुछ दिखाई दे रहा है ये वाला, और देखिए ये तमाम आपके पास एक एक्स्ट्रा बीच में लाइन आई हुई है, तो ये 7 फिट्स की हाइट पे जाकर इनको रोक रहा है, और वहां पर आप क्या कर रहे हो, अपने पास ब्रिजेस बनाते जा रहे हो। अगेन इधर आ जाए, एक क्लिक कर दिया, दूसरा क्लिक आपने कंट्रोल के थ्रू किया और अगेन आपने यहाँ पर ब्रिज बना दिया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने तमाम ब्रिजेस क्रिएट किए। यहाँ पर भी देखें एक रहता है मेरे पास, मैं इसको टोटली ही ब्रिज बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये भी एक चीज समझ लेते हैं चलें, कि अगर आप इस लाइन को बीच में से खत्म करना चाह रहे हैं तो आप ये लाइन कैसे खत्म करेंगे। हालांकि हमने रोशनदान के लिए छोड़ी हुई थी, लेकिन इसको आइंदा किसी लेसन में देखूंगा। अब इसको खत्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आप स्केप करें अपने कीबोर्ड से, मैंने इसको खत्म कर दिया है और सिंपली मैं इस लाइन को सिलेक्ट करना चाहूंगा, तो आप यहां पर आ जाएं। लाइन को सिलेक्शन देने के लिए आपके पास जो टूल है वो है सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। कैसे मैं बताता हूँ अभी आपको। एजेस आपने ले लिए और ये फ्रंट एज आपने ले लिया, ठीक है। और आपके पास अगर आप डिलीट प्रेस कर देते हैं अपने कीबोर्ड से, याद रखिएगा, अगर आपने डिलीट प्रेस किया तो ये सब कुछ उड़ा उड़ेगा, और इसके लिए आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं अपने कीबोर्ड के लिए, अपने कीबोर्ड से, ठीक है। अगर डिलीट लगाएंगे तो ये सब कुछ उड़ाकर निकल जाएगा आगे की तरफ। फिर देखें, मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास क्या सिलेक्टेड है, एजेस मेरे पास सिलेक्टेड है। अगर इसको डिलीट लगाएंगे सब कुछ ले उड़ेगा। अगर ऐसा भी नहीं करना चाहते, बैक स्पेस भी नहीं लगाना चाहते, तो सिंपली आप रिमूव के ऊपर क्लिक कर दें। अब इसका फायदा क्या होगा, जैसे आपने क्लिक किया तो देखें नीचे से लेकर एंड तक, सॉरी नीचे से लेकर एंड तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, तमाम का तमाम ऑब्जेक्ट आपका ये ब्रिज बना डालेगा, ठीक है। इस तरह से क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पॉइंट भी अच्छा हुआ, क्लियर हो गया। और अगेन यहाँ पर आता हूँ, चलते हैं देखते हैं कोई वीक पॉइंट तो नहीं रह गया यहाँ पे। तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पर मेरे पास रह गया हो और मुझे इन फ्यूचर में तंग करने वाला हो, ठीक है। यहाँ पर एक विंडो की ऑप्शन मिस हो गई थी, अब इसे मिस रहने दें, बाद में देख लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है जी। यहाँ तक आप आ चुके हैं बआसानी, और सिंपली F3 प्रेस कर दें आप, अगेन F4 और F3। तो देखें आपका 100% तमाम जो मटेरियल है वो आपको परफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कोई भी आपको SH प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। आप किसी किस्म का भी इसके ऊपर मटेरियल अप्लाई करें, मटेरियल एडिटर के ऊपर मैं जाता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको देखें बिल्कुल एक लाइट मटेरियल दे दिया है, और देखें आप इसको चारों तरह से कहीं से भी आपको ये ब्लैक या ऐसे आपको बुरा हुआ दिखाई नहीं देगा, आपको बिल्कुल ये परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स में हम इसी के ऊपर ही विंडोज लगाएंगे। विंडोज लगाने का मेथड क्या है वो हम आइंदा वाले लेसन्स के अंदर देखते हैं, तो उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट डीवीडी कलेक्शन चाहिए तो प्लीज अभी मुझे कॉल करें,
कॉल करने के लिए हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0343-901-7779। ईमेल करें xpacademy@ymail.com और स्काइप पे ज्वाइन करें। हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy और सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मेरे अलावा चाहता तो नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होता हूँ। उस तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।